हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। सभी एक मैच होने वाला है सीरी ए लीग का एटलांटा और नेपोली के बीच 3 घंटे 8 मिनट के बाद। तो बात करें मेरे टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर हर बार की तरह ऐसी कोई भी चीज़ प्रोत्साहित नहीं कर रहे जो कि मतलब गलत हो इस चैनल के लिए। इसलिए गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। तो चलते हैं आगे, बात करें इस मैच की। तो एटलांटा और नेपोली टीम यहाँ पर जीत सकती है। एटलांटा के 3 मेन प्लेयर्स हैं बुरी तरीके से इंजर्ड, जिस कारण बहुत मुश्किल झेलनी पड़ सकती है एटलांटा टीम को। सबसे पहले मैं बात करूंगा गाइस गोल कीपिंग से, तो शुरुआत करते हैं गोल कीपर से। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ अपना पहला गोल कीपर जोएन मुसो। मैं अभी इस प्लेयर के बारे में आपको बताता हूँ कि देखो, इसका प्लेइंग रेशियो थोड़ा कमज़ोर है, इसका गोल सेविंग रेशियो भी थोड़ा कम है, लेकिन वो चीज़ ही हमें फ़ायदा देगी। अगर आज जे मुसो अगर गलत गोल कीपिंग करते हैं तो वो हमारे लिए इतना अच्छा है, क्योंकि हमारे जितने प्रोबेबिलिटी गोल करने वाले प्लेयर्स हैं वो सारे नेपोली को फेवर कर रहा हूँ मैं। इसलिए नेपोली के जितने गोल्स अगर होते हैं तो उतना हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि आई एम फेवरिंग नेपोली। आगे से बात करूँ एम रुई असिस्ट का बादशाह, इतनी अच्छी एक्यूरेसी मैंने किसी बंदे की नहीं देखी, जबकि आज मानता हूँ कि हाँ भाई, नेपोली टीम में सारे के सारे टॉप प्लेयर हैं, मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ। एंड कोलिबाली की बात करें, कोलिबाली अपनी कंट्री की तरफ से खेलने गया हुआ था, तो ये वर्ल्ड कप क्वालीफाइज में था, बट तब तक सीरी ए लीग हुई नहीं और आज खेली जा रही है, जिस कारण ऐसा लगता है कि अगर आज के मैच में कोलिबाली अगर आज अच्छा परफॉर्म करता है मान लो, तो कोलिबाली के लिए कोई नई चीज़ नहीं, क्योंकि कोलिबाली एक ज़बरदस्त प्लेयर ही है जो वेल परफॉर्म करना जानता है। एंड रहमानी की बात करूँ, यहाँ पे लूँगा आमिर रहमानी। कुछ दिनों से फ्लॉप ज़रूर हो रहा है, एग्री, बट मैं क्या करूँगा इस, क्योंकि यही हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। क्योंकि मैं भी चाहता तो जे लुइस को ले सकता था अपने क्रेडिट वगैरह मेंटेन करने के लिए, या फिर आप मान लो सेफ जाने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे को नेपोली टीम पे बहुत भरोसा है। एंड आगे से बात करें जीसस को ले रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज के मैच में जी डी लोरेंजो नहीं खेलेगा। जी डी लोरेंजो को हुई है थोड़ी बहुत इंजरी, सो मेरे को लगता है कि शायद ये ना खेले, इसलिए मैं जीसस को लूँगा। एंड आगे से बात करें रूसलैन मेलिसोवस्की, जो कि गाइज अपनी टीम का सबसे मेन प्लेयर रहा है और ये स्ट्राइकिंग भी करता है, आपको लग रहा होगा मिडफील्डर है, लेकिन नहीं गाइज, ये एक पर्टिकुलर स्ट्राइकर भी है। एंड आप रुइस पेना की बात करें, फैबियन रुइस पेना की असिस्ट है बहुत ज़बरदस्त, जबकि रुइस पेना की जगह प्योटर ज़ेलेनस्की भी ले सकते हो, लेकिन प्योटर ज़ेलेनस्की कॉन्जिक्यूटिवली फ्लॉप हो रहा है, दैट्स मेरा हिम्मत नहीं हो रही इस प्लेयर को लेने की, लेकिन ये कह दूं ये आपके ओपोनेंट्स का जरूर होगा। एंड एम पशेलिक की बात करें, पशेलिक को भी जस्ट मैं सेव कर रहा हूं, क्योंकि पशेलिक की जगह जो मुझे प्लेयर्स मिल रहे हैं जैसे कि कूपन मिनियर्स हो गया या एम डी रून हो गया, फ्लूरल हो गया, तो वो भी इतने बेस्ट नहीं है जितना कि पशेलिक का, क्योंकि पशेलिक स्ट्राइकिंग करेगा। आगे से बात करें एल इंसाइन की, यहाँ भी लूंगा लोरेंजो इंसाइन लोग अपना कैप्टन रखते हैं, लेकिन कैप्टन रखने का कुछ नहीं फायदा भाई। ये स्ट्राइकिंग पे गोल नहीं करता, ये पेनल्टी पे गोल करता है। मानता हूँ स्ट्राइकर है और ये भी मानता हूँ इसने अपनी लाइफ में बहुत गोल्स किए होंगे विदाउट पेनल्टी भी, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ जो उसे ओसीमन को कैप्टन रखता हूँ। पिछले मैच में मेरा ओसीमन कैप्टन था, टीम मैंने ओपन दी हुई थी, जाकर देख सकते हो 29 मार्च के मेरे ग्रुप में जाके टेलीग्राम में रिकॉर्ड देख सकते हो कि मैंने टीम ओपन दी थी और मेरा कैप्टन विक्टर ओसीमन था, और ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि गोल करेगा। ये 2 मैच में 4 गोल कर चुका है आखिरी के, और आज फिर लिख के दे रहा हूँ, आज कन्फर्म 1 से 2 गोल मारेगा, और ये बंदा हाफ टाइम के बाद गोल करने पे आता है, क्योंकि वी ओसीमन एक हीरो है। हीरो जो लोग समझ रहे हैं कि ओसीमन फ्लॉप होगा, अपने दिमाग से निकाल दो कि ये कभी फ्लॉप होगा, कई बार तो चलो हो जाता है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ बैंड बजा देगा। एल इंसाइन तब चलेगा अगर पेनल्टी आएगी, बाकी पेनल्टी लाके देने वाला भी ओसीमन ही होगा। एंड आगे से बात करें म्यूरियल की, देन लुइस म्यूरियल को एज अ पेनल्टी टेकर ले रहा हूँ, क्योंकि इनका जबाटा भी इंजर्ड है, इनके मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं सारे, जबाटा भी इंजर्ड है, इसलिए म्यूरियल को ले रहा हूँ। एंड आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन मेरा ओसीमन रहेगा, चेंज ही नहीं करूँगा, ओसीमन खेलेगा तो 100% मेरा कैप्टन रहेगा, मैं बदलूँगा नहीं। वाइस कैप्टन मेरा इंसाइन है, तो आप जाके इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।